मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले नेताओं के तल्ख बयानबाजी जारी है। इस बीच आज मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कांग्रेस की पूर्व मंत्री एवं लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मैं फिर आरोप लगाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया, ये तो लुटोरों की परिभाषा है। अब मैं ईमानदारी से उस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, बीमारू को आपने आदिवासी, दलित, युवा, किसान, महिलाओं और मजदूरों को अपने पाप से बनाया है और विकसित यह प्रदेश नहीं हुआ है। विकसित आपके वे नेता हुए हैं जो राजनीतिक झाड़ू के समान है। मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक झाड़ू के समान है और वो अरबों रुपयों के मालिक बनके बैठे हैं, तो किस बीमारों को आपने बीमार ही रहने दिया और किस फटीचर को आपने विकसित कर दिया है, उसकी स्पष्ट व्याख्या कांग्रेस पार्टी की ओर से आपने कर। वही अध्यक्ष के मिश्रा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईडी, आयकर विभाग तथा सीबीआई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के शासन में नेताओं से लेकर सरकारी अफसर तक सब पर भ्रष्टाचार के आरोप राजनीतिक दबाव और प्रभाव के होने के कारण कर रहे हैं। मृदुभाषी प्रदेश के लिए भोपाल से रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार।